नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है शिक्षा अकेडमी की आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा आनंद यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए यहाँ पर कराने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट, वो भी हिंदी में। और हिंदी में क्या कौन सा टॉपिक लिया है, तो हिंदी का टॉपिक लिया है तत्सम और तद्भव वाला यहाँ पर टॉपिक लिया हुआ है। इसका प्रैक्टिस सेट आपको इस वीडियो में कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लगभग 40 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर इस वीडियो में कराने वाला हूँ। दोस्तों आप बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, पहला प्रश्न है यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर कुछ रूल्स यहाँ पर बता दे रहा हूँ। मैं दोस्तों यहाँ पर प्रश्न पढ़ दूंगा, उसके बाद आपके लिए कुछ सेकंड दूंगा जो कि आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जाकर आपको टाइप करना है। यदि ऑप्शन ए होगा तो ए बी सी या फिर ऑप्शन आपको कमेंट करके बताना है जल्दी से, ठीक है। और मैं फिर आपको बताऊंगा कि कितने लोगों के कितने आंसर यहाँ पर सही आए हैं। दोस्तों यदि जो यहाँ पर मैं 40 क्वेश्चन में यहाँ पे कराने वाला हूँ, यदि 40 में से आपके यहाँ पर 30+ नंबर आएंगे तो आपकी हिंदी में यहाँ पर बहुत ही अच्छी तैयारी है, ठीक है। 40 में से कम 30+ आपके सही आंसर यहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। तो जो अंगीठी शब्द है इसका तत्सम शब्द क्या होगा, ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है, जैसे कि अग्नि का, ऑप्शन बी है अग्निष्ठ का, ऑप्शन सी अग्निष्ठ का और ऑप्शन डी है अग्निष्ठ की। तो इसमें से आप जल्दी से ऑप्शन बता डालें और कमेंट करें कि कौन सा ऑप्शन इसका सही आएगा, ठीक है। थोड़ी ही समय मिलेगा आपके लिए, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, बस इतना ही। इसके बाद देखिए, हम आपको लिए ऑप्शन बता दे रहा हूँ, ऑप्शन इसका सही आएगा ऑप्शन नंबर इसका सी, इसका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा इसका? सी राइट आंसर रहेगा, यानी कि जो अंगीठी शब्द है इसका तत्सम शब्द होगा अग्निष्ठ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, अंगूठी का तत्सम शब्द है, अंगूठी शब्द का तत्सम शब्द क्या रहेगा, ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी और डी, जल्दी से कमेंट करें आप। तो दोस्तों आपके लिए यहाँ पर बता दें, अंगूठी शब्द का तत्सम शब्द होगा ऑप्शन नंबर ए वाला अंगुनिष्ठ का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, अंगूठी का तत्सम शब्द इसका सही होगा, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लीजिए यहाँ पर, आगम शब्द है, आगम शब्द क्या है, तत्सम है या तद्भव शब्द है या देशज है या फिर विदेशज शब्द है, जल्दी से आप कमेंट करें कौन सा शब्द है आगम, कौन सा शब्द है तत्सम, तद्भव या देशज या विदेशज, चारों में से आप जल्दी से बताएं कौन सा शब्द है आगम। ठीक है, सही आंसर मैं आपके लिए यहाँ पर बता दे रहा हूँ, जो आगम शब्द है यह दोस्तों तद्भव शब्द है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कौन सा शब्द है, तद्भव शब्द है आगम, ठीक है। और चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर, चौथा प्रश्न है, अचरज शब्द का तत्सम क्या है, ठीक है। अचरज शब्द जो है इसका तत्सम शब्द क्या होगा, ऑप्शन आपके हैं आचरज, ऑप्शन बी आचार्य, ऑप्शन सी आश्चर्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन कमेंट बॉक्स में आप बताएं ए बी सी डी में से कोई या एक आप कमेंट करें ज़रूर। देखिए चौथे का यहाँ पर सही आ जाएगा, चौथा प्रश्न यहाँ पर है अचरज, इसका सही शब्द या तत्सम शब्द क्या आएगा, तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आश्चर्य, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा, आश्चर्य, ठीक है। अब पांचवा प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, पांचवा प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, आंख, नयन, नैन और दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी आपके सामने है ए बी सी डी, जल्दी से आप कमेंट करें। दोस्तों यह प्रश्न जो कि है यह यूपीएससी में भी आ चुका है, 2010 में आया था, ठीक है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ए बी सी आपके सामने चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन आप जरूर बताएं, ठीक है। इसका सही आंसर है आँख, आँख यह जो है यह दोस्तों तत्सम शब्द नहीं है, बाकी की सभी जो यहाँ पर तत्सम शब्द है लेकिन आँख यह एक ऐसा शब्द है जो कि तत्सम शब्द नहीं है। देखिए अगला प्रश्न है छठवें नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, ठीक है। तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से आप चुनिए, ऑप्शन ए में अपना, ऑप्शन बी में आप, ऑप्शन सी में अमित, ऑप्शन डी में है अनि, इसके सही ऑप्शन आप बताएं, कोई एक होगा इसमें से सही।
तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर रहेगा यह दोस्तों शब्द जो तत्सम है, बाकी के तत्सम नहीं है। ठीक है, देखिए 7वें नंबर का प्रश्न है, आज का तत्सम शब्द है, आज शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक आप कमेंट करके बताएं कौन सा शब्द इसका सही होगा। दोस्तों आपको 40 में से कम 30+ अंक चाहिए, ठीक है, 40 में से आपको 30+ अंक जरूरी है। तो देखिए 7वें नंबर का सही आंसर रहेगा, आज का है जो तत्सम शब्द है वह अद्य हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, आठवां प्रश्न यहाँ पर है, आशरा का तत्सम शब्द है, आशरा का तत्सम शब्द कौन सा है? आशा, आशय, आदर्शिका या आश्रय? ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन आप चुने, ठीक है, और कमेंट करें जल्दी से इसका। देखिए सही आंसर मैं बता दें, सही आंसर रहेगा आश्रय, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद 9वां प्रश्न है, एकस्थ का तत्सम शब्द है, एकस्थ का तत्सम शब्द कौन सा रहेगा? तो सॉरी तद्भाव शब्द चाहिए अपन को यहाँ पर, ठीक है, तद्भाव शब्द क्या है? ऑप्शन ए खट्टा, ऑप्शन बी एकीभूति, ऑप्शन सी एकीकरण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन आपके चारों सामने है और एक आप यह चुनना है, तो इसका सही आंसर आप बताएं कमेंट करके। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इकट्ठा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा इकट्ठा। ठीक है, देखिए 10वां नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर ईख का तत्सम शब्द है, ईख का तत्सम शब्द है, ऑप्शन ए चार है आपके, उख, इछू और गन्ना, ए सभी, ठीक है, ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो दोस्तों ईख का यहाँ पर तत्सम शब्द आ जाएगा इच्छु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा इच्छुक, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है 10वें का। इसके बाद देख लीजिए 11वां प्रश्न क्या है, 11वां प्रश्न है यहाँ पर, उदास का तत्सम शब्द है, उदास का तत्सम शब्द क्या है? ऑप्शन ए में उच्छ्वास, ऑप्शन बी में निश्वास, ऑप्शन सी में उच्छ्वास, ऑप्शन डी में है उच्चय। इसका सही आंसर बताएं आप। 11वें प्रश्न का सही आंसर, 11वें प्रश्न का सही आंसर क्या है? उच्च बास, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों आप कमेंट जल्दी जल्दी करके बताएं, ठीक है, क्योंकि वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं चलाना है। बारहवां प्रश्न, ठीक है, 12वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, स्कंद का तद्भाव शब्द है, स्कंद का तद्भाव शब्द कौन सा है? खंड, सर्ग, विकंद और कंद। तो इसका दोस्तों सही आंसर बताएं आप जल्दी से कमेंट करें, हर क्वेश्चन को आपका यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो इसको 12वें नंबर प्रश्न का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 13वां प्रश्न है यहाँ पर, किवाड़ शब्द है, किवाड़ जो शब्द है कौन सा है? तद्भाव या तत्सम या देशज या फिर इनमें से कोई नहीं है, कौन सा शब्द है तीनों में से किवाड़? दोस्तों यह जो किवाड़ शब्द है यह तद्भाव शब्द है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आ जाएगा, तद्भाव शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, केला का तत्सम शब्द है, केला का तत्सम शब्द है, ऑप्शन है चार किरल, कादली, कंदलिक और ऑप्शन डी है कार्दलिंग। दोस्तों इसका सही आंसर आ जाएगा आपका केला का तत्सम शब्द आ जाएगा कादली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आएगा कादली। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 15वें नंबर का, कुंजी शब्द कौन सा है, कुंजी शब्द एक देशज है या तत्सम है या तद्भाव है या फिर संकर है? दोस्तों कौन सा शब्द है यह, तो आपके लिए बता दिया है दोस्तों, कुंजी शब्द यह तद्भाव शब्द है, ठीक है, तद्भाव शब्द है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, तद्भाव शब्द। देख आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ पर 16वें नंबर का, कौन सा प्रश्न है देख लीजिए आप, कैसा, ठीक है, कैसा का तत्सम शब्द कौन सा है, कैसा का तद्भाव शब्द कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए
वी सी या डी, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी में से कोई एक। केशा का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। की दृश्य, की दृश्य यह कैसा का तत्सम शब्द है, की दृश्य, ठीक है। सत्र में नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, खीर का तत्सम शब्द है कौन सा है यहाँ पर, ठीक है। खीर का तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर? ऑप्शन ए क्षीर, ऑप्शन बी ओदन, ऑप्शन डी क्षार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक कमेंट करके बताएं। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी खीर का जो तत्सम शब्द है भाई क्षीर रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर रहेगा। अब 18वां प्रश्न यहाँ पर है, खंडहर का तत्सम शब्द है, खंडहर का तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर? खंडहर का देख लीजिए, खंडहर, खंडघर, खंडगृह या खंडक। दोस्तों यह प्रश्न भी यूपीएससी में आया था, 2011 में आया था, ठीक है, यूपीएससी में। दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं। दोस्तों 18 का सही आंसर आपके लिए बता दें, इसका सही आंसर रहेगा खंड ग्रह, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है खंड ग्रह। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देखिए गवार का तत्सम शब्द है, गवार का तत्सम शब्द क्या है? मूर्ख, गंभीर, ग्राहक या ग्रामीण। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आप कमेंट करें कौन सा इसका सही है। दोस्तों ये भी उत्तराखंड बीएड प्रवेश परीक्षा में आया था, 2010 में पूछा गया था, ठीक है। दोस्तों गवार शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? और यह हो जाएगा दोस्तों ग्रामीण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा, ग्रामीण, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं, 20वें नंबर का प्रश्न है यहाँ पर, ग्रंथि का तद्भव शब्द है, ग्रंथि का तद्भव शब्द क्या रहेगा यहाँ पर? गांठ, गांठी, गोढ़ा और यहाँ पर कांडी। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गांठ, ठीक है। ग्रंथि का तत्सम शब्द रहेगा गांठ। अगला प्रश्न है 21वां, गुफा शब्द है, गुफा जो शब्द है कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है या तद्भव शब्द है या देशज शब्द है या फिर विदेशी शब्द है, कौन सा शब्द है आप कमेंट करके बता जल्दी से ऑप्शन में, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं मिलता, ए बी सी डी में से कोई एक चुने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, ठीक है, तद्भव शब्द है गुफा, ठीक है। क्या शब्द है? तद्भव। अगला प्रश्न 22वें नंबर का, गेहूं का तत्सम शब्द है, गेहूं को तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर? देख लीजिए ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक चुने जल्दी से। आप देखें आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, तो गेहूं का तत्सम शब्द हो जाएगा दोस्तों गोधूम, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाएगा, गेहूं का तत्सम शब्द हो जाएगा गोधूम, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गोमल का तद्भव शब्द कौन सा है, गोमल का तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा है? आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पर, देखिए ए बी सी डी में से आपके चार कोई एक ऑप्शन सही है, तो आप कमेंट करके बताएं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही आ जाएगा गोमल का। गोमल का दोस्तों आपके लिए बता दें तद्भव शब्द क्या आ जाएगा? गोबर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा, गोबर, या जो तद्भव शब्द है किसका? गोमल का, ठीक है। 24वां प्रश्न यहाँ पर, चोंच का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए चूचू, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से कोई एक शब्द बताएं कौन सा इसका चोंच का तत्सम शब्द रहेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सी सही आंसर आ जाएगा, चंचू, ठीक है। चंचू शब्द जो है यह दोस्तों तत्सम शब्द रहेगा चोंच का, ठीक है। 25वां प्रश्न यहाँ पर है दोस्तों, झरने का तत्सम शब्द कौन सा होगा? जो झरना नाम शब्द है इसका तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए वी सी डी, ऑप्शन आपके सामने चार हैं, आप चारों में से कोई एक चुने कौन सा होगा? झरन, झरझर या निर्झर या फिर जल प्रपात। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, निर्झर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आएगा, झरने का तत्सम शब्द है निर्झर। 26वां प्रश्न यहाँ पर है, तुरंत का तत्सम शब्द है, तुरंत का तत्सम शब्द क्या रहेगा? ऑप्शन ए तुरंत,
ऑप्शन बी तुअंत, ऑप्शन सी तुरित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तुरंत का तत्सम शब्द आएगा ऑप्शन नंबर सी, त्वरित। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27 नंबर का। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, जो यहाँ पर शब्द दिए हैं गरम, नरक, नरम या तीर्थ, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? चारों में से कोई एक शब्द तत्सम है, जल्दी से बताएं कमेंट करके कौन सा है। दोस्तों आपको बता दें तीर्थ। ठीक है, तीर्थ यह शब्द यह तत्सम शब्द है। ठीक है दोस्तों, यह भी प्रमुख प्रश्न जो कि होगी क्योंकि ये यूपीएससी 2011 में पूछा गया था, तत्सम शब्द तीर्थ। ठीक है, 28वां प्रश्न है यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन तद्भाव शब्द है? कौन सा तद्भाव शब्द है यहाँ पर? दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर या फिर सूरज में से तद्भाव शब्द कौन सा है? आप कमेंट करके जल्दी से बताएं। 28वें नंबर का इसका सही आंसर आ जाएगा कौन? सूरज। सूरज यह शब्द जो है जो दो है, कौन सा तद्भाव शब्द है? सूरज। ठीक है, बाकी के नहीं है। अगला प्रश्न है 29वें नंबर का प्रश्न, देख लीजिए। 29वें नंबर का प्रश्न यहाँ पर है, युक्ति का तद्भाव शब्द है, युक्ति का तद्भाव शब्द कौन सा है? जुगति, उक्ति, उल्लिख, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका युक्ति का तद्भाव शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए जुगति। ठीक है, जुगति युक्ति का तद्भाव शब्द है। अगला प्रश्न है 30वें नंबर का, जब, जब का तत्सम शब्द कौन सा होगा? जब का तत्सम शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए यम, तम, यथा, यथ ही, इसका तत्सम शब्द कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यदा आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 31वें नंबर का दोस्त, देखिए यम का तद्भाव शब्द है, यम का तद्भाव शब्द कौन सा है यहाँ पर? देखिए जब, जहाँ, कहाँ और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप कमेंट करके बताएं, यम का तद्भाव शब्द कौन सा रहेगा? कौन सा रहेगा? जहां। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, जहां। अगला प्रश्न है 32वां, जमाई का तत्सम शब्द है, जमाई का तत्सम शब्द कौन सा है? चार शब्दों में से जहाई, जमुहाई, जामरत या जम्मिका, आप कमेंट करके बताएं जल्दी से। बत्तीस बस का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जा मार्थ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है 33वां, ज्वलन का तद्भाव शब्द है, ज्वलन का तद्भाव शब्द क्या रहेगा? ईर्ष्या, दाह, तपन या जलना, ऑप्शन चार आपके सामने है, जल्दी से एक सही बताएं आंसर कमेंट करके। दोस्तों चार सात क्वेश्चन और बचे, यहाँ पर 33 क्वेश्चन हो चुके हैं, 40 क्वेश्चन है यहाँ पर, सात और बचे हुए हैं अभी। ठीक है, आप बने रहिए वीडियो, यदि अच्छा लग रहा हो तो चैनल लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, 33वां का सही आंसर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, जलना। ठीक है, क्या आ जाएगा? जलना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 33 का। अब 34वां प्रश्न यहाँ पर है, उपटन का तत्सम शब्द क्या है? उपटन, उपटन। ठीक है, उपटन का तत्सम शब्द है, उपटन है दोस्तों यह। ठीक है, उपटन का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए बी सी डी आपके चारों में से कोई एक सही है, जल्दी से बताएं कमेंट कौन सा इसका सही आंसर रहेगा। 34वां का ए ऑप्शन सही है कि बी डी सी है या फिर डी, तो इसका सही आंसर मैं बता दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं किन किन का यहाँ पर यह सही होता है। तो 34 का सही प्रश्न होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए इसका सही उर्ध्वतम। ठीक है, 35वां प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में तत्सम शब्द कौन सा है यहाँ पर? देखिए कान, जीभ, मुख, दांत, में से जो चार शब्द हैं तत्सम शब्द आपको छांटना है, जल्दी से कमेंट करके बताएं ए बी सी या डी। ठीक है, 35वां के कौन सा आएगा, ए बी सी या डी आएगा, कौन सा आएगा चारों में से? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी मुख आएगा। ठीक है, तत्सम जो शब्द यह मुख है, बाकी कान, जीभ, दांत यह तत्सम शब्द नहीं है। दोस्तों यह शब्द भी यूपीएससी परीक्षा में आया था, ठीक है, 2011 में आया था एक। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पर 36वां, पलंग का तत्सम शब्द है, पलंग का तत्सम शब्द क्या रहेगा, पालकी, प्लांक या फिर पल्लक या फिर पड़क। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कोई एक चुने और कमेंट करके बताया कौन सा इसका सही आंसर है। और प्रश्न नंबर 36 का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, पारयक। ठीक है, पारयक जो है यह पलंग का तत्सम शब्द है। अगला प्रश्न यहाँ पर है निडर, 37वां, निडर का तत्सम शब्द बताना है आपको क्या रहेगा, निर्दर, निर्दय, निर्डर या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएं निडर का तत्सम शब्द। 37 का आंसर सही आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्दर। ठीक है, निडर का तत्सम शब्द यह निर्दर है। ठीक है, अब वाले दोस्तों दो प्रश्न और बचे हैं, तीन प्रश्न यहाँ पर बचे हुए हैं, 38, 39 और 40, इनमें करके जल्दी से बताएं। 38वां प्रश्न यहाँ का पर है, देखिए अब निर्गलन का तत्सम शब्द है, निर्गलन का तत्सम शब्द इनमें से को तद्भव शब्द बताना है आपको। ठीक है, तद्भव शब्द बताना है, गलना, निगलना, निर्वसन या फिर निकसन, सही बताना है क्या है, तद्भव शब्द आपको इसमें से बताना है 38वां का। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कोई एक नंबर जो है कमेंट करें जल्दी से। तो आपके लिए यहाँ पर बता दें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, निगलना। ठीक है, क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसके बाद दोस्तों 39वां प्रश्न है, निभाय का तत्सम शब्द कौन सा है, निभाय का तत्सम शब्द है यहाँ पर देखिए निभाद्र, निर्वाह या निभा या फिर में से कोई नहीं। 39वां का सही आंसर बताएं आप जल्दी से, चार ए बी सी डी में से कोई एक चुने। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों कौन, ऑप्शन नंबर सी, निर्वाह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब आखिरी प्रश्न यहाँ पर है 40वां, परख का तत्सम शब्द कौन सा है, परख का तत्सम शब्द कौन सा है, प्रख, परखी, प्राख्य या परीक्षा, चारों में से कोई एक चुनना है जल्दी से आप चुन के बताएं। परख का जो तत्सम शब्द है यह दोस्तों कौन सा है, दोस्तों आपके लिए बता दें यह परख शब्द है, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा परीक्षा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर आएगा, परीक्षा शब्द इसका आ जाएगा। ठीक है, परीक्षा शब्द इसका आ जाएगा। तो दोस्तों आप अपने अपने नंबर जो बताएं कि आपको कितने नंबर मिले हैं 40 में से, आप अपना टेस्ट खुद यहाँ पर करें कि आपको यहाँ पर जो 40 प्रश्न मैंने बताए हैं इसमें से आपके कितने प्रश्न हैं। यदि आपके 30+ प्रश्न है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दोस्तों 30+ हैं तो आपका यहाँ पर बहुत अच्छा स्कोर है। यदि नहीं है तो दोस्तों आप निराश मत होइए, आप कोशिश करते रहिए तो आपके 30+ भी होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि अच्छा लगा या ख़राब लगा, और जो भी इसमें गलती हो तो गलती भी बताएं कौन सी गलती है, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो से उस गलती को भी सुधार सकें। ठीक है, तो यह वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। यदि वीडियो यह पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।